नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंडटेक में। दोस्तों, आज की ये हम वीडियो बनाने वाले हैं पेप्टो फ्यूल सेवर के ऊपर। तो पेप्टो फ्यूल सेवर के बहुत से एडवर्टाइज आपने फेसबुक, यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे वगैरह देखी होगी। तो कंपनी बहुत से दावा करती है कि ये जो पेप्टो फ्यूल सेवर है, इससे जो हमारी गाड़ी का माइलेज है वो बढ़ जाता है और फ्यूल की सेविंग होती है। तो ये जो फ्यूल सेवर है, ये हम हमारी जो पोलो पेट्रोल है 1.2 उसमें लगा के टेस्ट करेंगे, और ये लगाने के बाद हम गाड़ी चलाएंगे, वैसी सेम गाड़ी इसे निकाल के भी चलाएंगे और माइलेज में कितना डिफरेंस आता है ये देखने वाले। तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग करते हैं, कहाँ से मंगाया, कितने का पड़ा, ये सब आपको बताता हूँ। तो ये जो फ्यूल सेवर है, ये मैंने ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं bookthewish.com उस पे से मंगाया है, और इधर उन्होंने बोला है पेटेंट प्रोडक्ट प्यूरिफाइंग, इसमें लिखा हुआ है 30 डेज मनी बैक गारंटी। और जो इनवॉइस आया है मुझे, ये देखो ये सेम कंपनी का है bookthewish.com से। तो ये देखो, ये 1689 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। ये मेरा नाम वगैरह, ये मोबाइल नंबर जो थे उन पर मैंने मार्कर लगा दिया इसे, ठीक है। और इधर तो बोल रहे हैं मनी बैक गारंटी, ये देखो 30 डेज मनी बैक गारंटी। और ये पढ़ लो, वे एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ 1689 टूअर नॉन रिफंडेबल अमाउंट अगेंस्ट योर परचेस। तो ये थोड़ा चीटिंग जैसा लग रहा है कंपनी का, ठीक है। अभी प्रोडक्ट की ओर चलते हैं। मास्टर माइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है आपको प्रोडक्ट के साथ, और इसके अंदर ये जो फ्यूल सेवर है ये है। इसमें कुछ भी मैकेनिकल पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है, ये सिर्फ प्लास्टिक का बना है। और इधर ये फ्लैप है, शायद आपको कैमरे में दिख जाए, ये देखो। और क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, ये जो फ्लैप है उसमें छोटी सी कील होती है उसको अटकाया गया है, और प्लास्टिक की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। ये क्या हमारी पोलो में बैठ नहीं रहा था, इसलिए मुझे कट करना पड़ा, ये हमने कट कर दिया है एक्सोब्लेड से, ठीक है। तो अगर प्राइस की बात करें 1689 लगभग 1900 रुपये का प्रोडक्ट है, तो ये लग नहीं रहा है। ये देखो क्या है इसमें, सिर्फ प्लास्टिक है, दूसरा कुछ है ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से 200 रुपये भी ज़्यादा है इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। ये सबसे पहले ही ये प्रोडक्ट के बारे में बुराई करना ठीक नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम इसको लगाएंगे और देखते हैं माइलेज बढ़ता है, क्या होता है, पिकअप बढ़ता है, स्मूथनेस बढ़ता है, ठीक है। तो कंपनी के अनुसार ये जो है ना, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसमें आपको इंस्टॉलेशन मैनुअल और यूज़र मैनुअल भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वीडियो रेफर करके ही आपको ये लगाना पड़ता है। ये देखो, इधर उन्होंने मार्कर से मार्क करके दिया है, और ये ऊपर रखना है एयर फिल्टर का लाइन निकाल के, ठीक है। ये देखो, ये लाइन इधर थी वो मैंने निकाली है, और ये मैं इधर लगाऊंगा। तो इधर मैं जो टेप है इससे इसको पैक करके लेता हूँ, क्योंकि उनका जो कॉल आया था तब मैंने उनको बोला भी था पोलो 1.2 लीटर के लिए चाहिए, फिर भी उन्होंने ऐसा भेजा कि बैठ नहीं रहा है। ठीक है, ये पट्टी लगा दी मैंने, और पट्टी लगाने के बाद ये एकदम प्रॉपर फिट हो गया है, ठीक है। ये देखो, ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और ये जो फ्लैप है ये ठीक तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, और ये ऊपर आना चाहिए। ये देखो, ये भी ऊपर की तरफ आ गया, और अभी मेरी गाड़ी है ये हीट है, क्योंकि मतलब इंजन इसका हीट है, क्योंकि आप कहोगे दोनों टाइम मैं चेक करने वाला हूँ, ये निकाल के भी चेक करने वाला हूँ, तो दोनों बार गाड़ी हीट होनी चाहिए। ये देखो, इसके लिए मैं पहले से गाड़ी है ना ये चला के लेके आए हूँ। ये देखो, गाड़ी का इंजन हीट है, क्योंकि कूल इंजन होता है तो माइलेज में डिफरेंस पड़ता है। अभी मैं गाड़ी 5-6 किलोमीटर चला के आया हूँ, उसके बाद ये लगाया। तो ये देखो, अभी मैं ट्रायल के लिए जा रहा हूँ। ये देखो, इधर ये रेंज दिखा रहा है, ये सब मैंने रिसेट कर लिया है, ठीक है। ये देखो इधर एवरेज दिखाता है, ये देखो। फिर भी मैं रिसेट स्विच दबाता हूँ, ये देखो रिसेट स्विच दबाता हूँ। दो नंबर का भी ज़ीरो कर दिया, और एक अच्छी बात है इसे यही गाड़ी मैंने चूज़ की, क्योंकि इसमें क्या सब दिखाता है, मतलब कितने किलोमीटर गए आप, एवरेज स्पीड कितना रहा, ये सब बताता है, इसलिए क्या है कंपेयर करने में एकदम इजी होगा, है एवरेज स्पीड भी बताएगा। ये देखो, ये अब सब ज़ीरो हो गया है, ये
ये सिर्फ रेंज है, मतलब ये फ्यूल है इतने फ्यूल में कितनी जाएगी, वो रेंज सिर्फ दिखा रहा है, वो ज़ीरो नहीं होती। जैसे जैसे फ्यूल कम होगा वो रेंज कम हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम ट्रायल के लिए जाते हैं। और ट्रायल के लिए जाने से पहले आपको बताता हूँ, जो भी मैं गाड़ी चला लूँगा दोनों बार विदाउट एसी चलाऊंगा, और जो हमारा स्पीड है तो 50 60 और 80, इसमें इसके बीच में ही रखूँगा, 80 से ऊपर नहीं जाऊँगा और 50 के नीचे नहीं जाऊँगा। जब स्टार्ट करूँगा तभी नीचे होगा, ठीक है, लेकिन मैं उसके नीचे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उसके बाद जो गाड़ी है वो हाईएस्ट गियर पे चली गई, मतलब चौथी या पाँचवीं। हम यहाँ से अभी रिटर्न जाने वाले हैं, और यहाँ तक जो माइलेज दिखाया हमारे कार ने वो 80.1, अभी 80 हो गया कम होने से पहले। मैं फिर रिटर्न, हम राउंड मार के यहाँ आ गए और गाड़ी मैंने बंद कर दी है, और 17.3 का माइलेज दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी ये रेंज है, 3 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई, 3 किलोमीटर देखो ये हमारा एवरेज स्पीड रहा है उसमें 26 km का। ठीक है, इसके बाद 8 मिनट लगे हमको जाकर आने में, अभी 9 हो गया वो। ठीक है, तो 17.3 का ट्रिप नंबर 2 भी देखो, ये देखो सेम है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, वो जो सेवर हमने लगाया है वो निकाल दूँगा, और इसके बाद ऐसे ही गाड़ी चला के देखते हैं, सेम जिधर मैं लेके गया था गाड़ी वहाँ ही लेके जाऊँगा, जिधर टर्न मारा उधर ही टर्न मारूँगा, सेम सेम स्टाइल में गाड़ी चलाने की कोशिश। फ्यूल सेवर है ये, अब मैं निकाल देता हूँ, और ये टेप वगैरह लगी थी, और टेप जो लगाई थी हमने वो कहीं से भी लीक वगैरह नहीं हुई थी। ठीक है, मैंने अभी खींच के निकाला इसलिए आ गया हूँ, और जैसी ओरिजिनल फिटिंग होती है कार की वो ऐसे मैंने जो पाइप होता है होस होता है वो। अभी हमने फ्यूल सेवर निकाल दिया है, और याद रखिए 17.3 किलोमीटर का एवरेज दिया था, और हमारा एवरेज स्पीड अभी कम होगा क्योंकि अभी हम रुके हैं। ठीक है, तो ये माइलेज ध्यान में रखो, और 3 किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई थी वो ध्यान में रखो, ये देखो। ठीक है, अभी मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ये ट्रिप नंबर 2 भी ज़ीरो हो गई, ट्रिप नंबर 1 भी ज़ीरो हो गई। ठीक है, अभी चलते हैं और देखते हैं कितना मैंने पहले टाइम में जिधर टर्न मारा था उधर ही हम आ गए, ये देखो। ठीक है, और अब माइलेज कुछ 80.2 80.1 हो रहा है, तो जैसे पहले टाइम में हुआ था 80.1 था शायद, वैसे हो रहा है, मतलब माइलेज में इतना डिफरेंस नहीं। तो अभी रिटर्न चलते हैं और देखते हैं। तो पहले जो डिवाइस लगाया था तब हमारा माइलेज दिखाया था 17.3, तो अभी 18.3 दिखा रहा है, 1 किलोमीटर ज़्यादा है विदाउट डिवाइस के। और बाकी डिटेल्स दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो 3 किलोमीटर ही चलाई थी, जैसे पहले चलाई उसी रोड पर वहाँ ही टर्न मारा, सेम टू सेम चलाई। ठीक है, इसके बाद 24 km/h का जो हमारा एवरेज स्पीड रहा तब कुछ 18 दिखा रहा था, थोड़ा हमने शूटिंग करने के बाद देखा इसलिए एवरेज स्पीड भी उतना ही था, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है उतना एक। ठीक है, और उसके बाद ये देखो 9 मिनट हमें लगे, तो पहली बार हम जब शूट कर रहे थे तो तब 9 हुए थे, 8 के 9 हुए थे, लगभग टाइम भी हमें उतना ही लगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने वीडियो में देखा ये जो डिवाइस है ये लगाने के बाद माइलेज ज़रा भी नहीं बढ़ता है, इसके बाद जो कंपनी कहती है इंजन का साउंड कम होगा परफॉर्मेंस बढ़ेगा वो भी कुछ नहीं होता है, जैसी गाड़ी पहले चलती थी ये डिवाइस चल लगाने के बाद भी वैसी ही चल रही थी। ठीक है, इसके बाद ये जो डिवाइस है इसके में प्लास्टिक के अलावा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ फ्लैप है, ये भी एकदम चीप क्वालिटी का लग रहा है, और जो प्लास्टिक भी एकदम चीप क्वालिटी का लग रहा है। प्राइस के हिसाब से ये डिवाइस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और काम भी नहीं करता है, तो इसको क्यों परचेस करना है। तो ये वीडियो देखने वाला कोई भी इसे परचेस करने की सोच रहा है तो बिल्कुल परचेस मत कीजिए, क्योंकि ये काम नहीं करता, ये प्रूफ भी हमने किया है। तो इस वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जो मेरा वीडियो है लाइक कर दीजिए, मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, ये जो मेरा वीडियो है ये शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि अगर कोई इसको लेने की सोच रहा हो, और जो ये वीडियो से प्रमोशन करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि ये जो है ये काम करेगा एकदम अच्छा प्रोडक्ट है, ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने भी जब वीडियो देखा ना तो मुझे भी ऐसा लगा कुछ ना कुछ काम करता होगा, इतना कंपनी और जो टेस्ट करते हैं वो बोलते हैं वीडियो में, तो इसलिए मैंने परचेस किया। और परचेस करने के बाद मैं भी पछता रहा हूँ, ऐसा कोई और ना पछताइए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो है मेरा ये शेयर कर दीजिए। तो
ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।